उस्मान साहब के सिपाहियों के सीने में ईमान का नूर जगमगा रहा था। उनका मकसद शहादत और उनका अमल जहाद था। वो उस्मान के ही सिर्फ सिपाही थे जो अपने दीन के हर हुक्म पर अपनी जान से गुजरने को तैयार थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका सरदार हक के रास्ते पर है और अल्लाह की अताअत पर खुशनुदी का रास्ता ही उनके सरदार का रास्ता है। आज की इस वीडियो में हम उस्मान के 10 बहादुर तरीन सिपाहियों का जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल BRB वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 10, सौतुक अल्त। बहादुरी के साथ साथ सौतुक की शख्सियत जहानत और जानसारी जैसे जज्बात से भी मुजयन थी। उस्मान का ये बहादुर एक तरफ जहां मैदान जंग में अपने बहादुरी के जौहर दिखाता, वहीं जासूसी के फ़राइज़ भी बेहतरीन अंदाज में सरंजाम देता। उस्मान के करीबी और राजदार सिपाहियों में शामिल होने वाले सालतुक अल्त को तीसरे सीजन में आयोस नामी शैतान के हाथों उस वक्त शहादत नसीब हुई जब ये बहादुर सिपाही उस्मान के हुक्म पर दुश्मन का ताकुब कर रहा था। अपने जानसार सिपाही को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखकर उस्मान जिस कल्ब से गुजरे उससे अंदाज़ा होता है कि उस्मान के लिए उनका ये जानबाज कितना अहम था और उसके रास्ते पर साल तो कुर्बान हो गया लेकिन जाते जाते अपना नाम अमल कर गया। नंबर 9, भाई सुंगुर। उस्मान के अहम सिपाहियों में शामिल काई का ये बहादुर अपने सरदार और कबीले का अहम मुहाफिज है। जंग का मैदान हो या कबीले के मामला, भाई सुंगल अपने फ़राइज़ की तकमील में हर जगह साबित कदम नज़र आता है। उस्मान की नज़र में अपने इस जानबाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस्मान ने अपने बेटों की तरबियत तो निगरानी के लिए भाई सुंगल का ही इंतखाब किया था। नंबर 8, तुरान। तीसरे सीजन में उस्मान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। ऐसे ही एक मुश्किल सूरत हाल उस्मान को उस वक्त दरपेश आई जब वो सुल्तान से मिलने गए। वहाँ एक गद्दार ने सुल्तान की पीठ में छुरा घोंट दिया। उसका इल्ज़ाम उस्मान पर धर्द कर उस्मान को गद्दार करार दे दिया गया और सलजूक सिपाही उस्मान की तलाश में सरगर्दा हो गए। एक जगह जब जन सिपाहियों ने उस्मान को घेर लिया तो दौरान में वहाँ आकर उस्मान की मदद की। दौरान उस वक्त नहीं जानता था कि उसने किसकी मदद की है, लेकिन दर हकीकत वो उस्मान बे की तलाश कर रहा था और उनके गुमान में शामिल होकर जहाद करना चाहता था। यहाँ से दौरान उस्मान के अहम तरीन सिपाहियों में शुमार होने लगा और हर तरह के मुश्किल और कठिन हालात में उस्मान के शाना बशाना लड़ा। आने वाले वक्त में तौरान नसीब अहमद का नामे सर अंजाम देगा। नंबर 7, गेंजा बे। दूसरे सीजन में कुलस एसार की मुहिम के दौरान यह जानबाज सामने आया। इसकी काबिलियत का इससे बढ़कर क्या सबूत होगा कि बामसी बे तजर्बाकार जंगजू ने भी गेंजा की महारत और जंगी सलाहियत की खुलकर तारीफ की। उस्मान के हर हुक्म पर अहले पढ़ने वाला ये सिपाही दिल में जज्बे शहादत और आंखों में फतह के ख्वाब रखता है। नंबर 6, आयबिल। सिपाहियों की इस फहरिस्त में आयबिल की फहरिस्त का हैरान मुमकिन है, लेकिन इस बहादुर खातून की सलाहियतों और कारनामों की फहरिस्त देखी जाए तो इसकी मुस्तहक नज़र आती है। उस्मान की जानिब से खवातीन की सरबराह नामजद होने से यह साबित होता है कि आयबिल एक माहिर जंगजू और जहीन खातून है। आयबिल की सलाहियतों का सेहरा सेल्जन की तरबियत के सर भी जाता है। पहली शादी के खौफनाक तजर्बे के बाद अपने बाप को गद्दारी पर आंखों के सामने मरते देखने के रोग झेलने वाली आयबिल अपनी तरबाल को हक के लिए मजबूती से थामे हुए हैं। नंबर 5, कौनून। कौनूर की कुल्लस में एंट्री एक गद्दार जमीर आलम की शिफा में हुई। इब्तदा में कौनूर अपने वजीर की वजह से उस्मान के खिलाफ नजर आया, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब हालातों वाकयात में हकायक से दर हकायक तो कौनूर ने उस्मान का साथ देने का फैसला किया। आलम शाह को जब अंदाज़ा हुआ कि कौनूर ने उससे गद्दारी की है तो उसने कौनूर को सजा देनी चाहिए। ताहम उस्मान ने आलम शाह का सर कलम कर दिया, जिसके बाद कौनूर उस्मान की कुमान में शामिल हो गए। कौनूर की अहमियत का अंदाज़ा इस कमेंट से लगाया जा सकता है कि उस्मान हसास तरीन मामलात पर अपने सिपाही से मुशावरत करते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह कौनूर का हुकूमती मामलात से मुंसलिक रहना है। नंबर 4, गोक्तू। मंगोलों के बीच परवरिश पाने वाला ये बहादुर जब उस्मान बे से आ मिला तो उस्मान का दाया हाथ बन गया। उस्मान के सिपाहियों का जब भी जिक्र होता है
तो गोकतोक का नाम फौरी तौर पर जहन में भरता है। इसकी वजह गोकतोक का हर महाज पर उस्मान के साथ रहना और मुश्किल से मुश्किल तर आजमाइश में सुरखरू होना था। अगरचे मद्दाहों को उम्मीद थी कि गोकलूक उस्मान सीरीज के अहतमाम पर सीरीज में नजर आएगा, लेकिन तीसरे सीजन में कहत ने गोकतुक का सीना अपनी तलवार से छलनी कर दिया। ये मंजर देखकर उस्मान और उनके सिपाही गहरे दुख और गम में मुब्तला नजर आए। नंबर 3, जाग कुता है। तलवार और रोटी, उस्मान के सिपाही की जिंदगी इन्हीं दो चीज़ों के गिर्द घूमती है। या तो चार खिताए अपनी तलवार से दुश्मन को वारत करता हुआ नजर आता है, या फिर अपनी पसंदीदा जगह यानी बावर्ची खाने में पाया जाता है। मंगोल होने की वजह से अगरचे सिपाही की जिंदगी जुल्म और बर्बरियत में गुजरी, लेकिन फिर हक की पुकार ने इसके दिल को मोम कर दिया। जान को ताई ना सिर्फ इस्लाम कबूल करके उस्मान का सिपाही बन गया, बल्कि इसकी तरबियत के हसीन बामसी बेग हाथों हुई। जान को ताई को बामसी बेग के बेटों वाली मोहब्बत और वाबस्तगी मिली और उस्मान बेग का बामसी बे जान को ताई को ही करार दिया गया। इस सिपाही ने भी इस लकब से इंसाफ करते हुए खुद को बामसी बेग का हकीकी जानशीन साबित किया। बामसी बेग की तलवार में जान को ताई भी शहादत के जज्बे से सरशार है। नंबर 2, बोहरान। उस्मान के साथ आगाज से ही हमें जो सिपाही नजर आ रहा है वो बोहरान है। अज़्मो हिम्मत, खलूस और अकीदत की अमली तस्वीर बोहरान उस्मान का दस्ते राज है। हर पल उस्मान के साथ रहने वाला बोहरान कर्ज की राह पर बेपनाह कुर्बानियां दे चुका है। अपनी शादी वाले दिन अपनी दुल्हन पर हमले की अजियत झेलने के बाद बोहरान ने आने वाले वक्त में येजा को भी खो दिया, लेकिन ये दर्द और गम बोहरान को जहाद के जज्बे से महरूम न कर सका और यह बहादुर दोबारा अपने दीन के शाना बशाना खड़ा हो गया। तलवार और तीरबाजी की महारत के साथ साथ बोहरान का पूछ बचा कर नगमे गाने की सलाहियत भी रखता है। नंबर 1, तुर्गुत बे। वो कहते हैं ना, वो आया और छा गया। तुर्गुत की मिसाल भी कुछ ऐसी ही है। तीसरे सीजन में तुर्गुत बे की आमद पर अगरचे मद्दाह ना खुश थे, क्योंकि वो अर्तुगरुल गाजी वाले तुर्गल को ही देखना चाहते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ तुर्गुत बे ने अपनी सलाहियतों से सबको मुतरफ कर लिया। इब्तदा में अलग कबीला होने की वजह से उस्मान बे से शदीद इख्तलाफात रखने वाला तुर्गुत जब उस्मान बे से आ मिला तो दोनों तुर्कों की ताकत बन गए। इस वक्त अगर उस्मान बे का नायब कोई हकीकी मायनों में है तो तुर्गुत ही है।